सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बालूमाथ प्रखंड स्थित मोरगांव में एक महिला रूपा देवी पति सकेंद्र गंजू सहिया मोरगांव धाधु की है। वह जंगल की तरफ गई थी, तभी अज्ञात लोगों ने टांगी से वार कर और गला दबाने का प्रयास किया। इस बीच महिला के द्वारा शोर मचाने पर हमलावर छोड़कर भाग गए। वहीं ग्रामीणों को सूचना मिलते ही उसे ग्रामीणों की मदद से बालूमाथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर अशोक उड़िया ने इलाज किया। मरीज की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद सहिया के घर वालों में काफी डर हो गया है। सहिया वालों ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। वे लोग एक समाज सेवी हैं और हर गांव-गांव घूमते हैं, ऐसे में यह बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है जिसमें जान से मारने की कोशिश की गई, कुल्हाड़ी से भी गर्दन पर वार किया गया। वहीं उन लोगों ने मांग किया है कि जो घटना को अंजाम दिया है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सहिया के घर वालों ने जिला प्रशासन से घटना में शामिल अपराधियों को पकड़ने की जल्द से जल्द मांग की है। काज करता है कि कुछ नहीं मिलता है, हम लोग काम करते हैं तब मिलता है और नहीं तो नहीं मिलता है हम लोग को। और सहिया के ऊपर में सहिया है, देखिए आप बाहर नहीं जाएगी सहिया, सहिया कहीं नहीं जाएगी, निकलेगी 6 बजे भोर में। इसने संधांधली हुआ है कि हत्या करने के लिए तैयार था, हत्या भी कर देता और टांगा कर माथा तो काट दिया है। और ये है सही घटना के रोका जाए और जो जो किया है उसको फांसी के सजाए दिया जाए। सेवा करता है लेकिन भी हम लोग का कोई पैसा, जब काम करते हैं तो पैसा मिलता है और हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन भी हम लोग इतना काम करते हुए भी हम लोग पर हमला किया जा रहा है। बहुत दुख का बात है, इसलिए इस हमला को रोका जाए और जो हमला कर रहे हैं उसके पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। देखिए हम लोग को बहुत दुख हो रहा है कि काम करते हुए भी हम लोग ऐसा ऐसा हो रहा है। सहिया को मारने का भी हो रहा है, कल मारने का प्रयास किया गया, मारने का प्रयास किया गया। और देखिए हम लोग का सहिया पर हुआ, कल सबके सबके साथ होगा। हमारे